वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, मैंने दूसरा व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो इसलिए मैंने वो वहीं पे बंद करके दूसरा व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं वे ज़्यादा लंबा व्लॉग देखते देखते, तो फिर मैं इधर बना रही हूँ मिले के गोपाल जी के लिए। जी हाँ, घर पर ही। वैसे तो हम बाहर से भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि वो लोग बाहर से जो आता है ना कि गोपाल जी के लिए, उन्हीं हाथों से वो अंडे का केक बनाते हैं और उन्हीं हाथों से वो बिना अंडे का केक बनाते हैं। तो मेरा मन नहीं हो रहा था बाहर से केक लेने का, तो मेरे पास खोवा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मिल्क केक ही बना लेती हूँ घर पे। तो मैंने वो बना लिया है, उसको ठंडा होने के लिए मैंने साइड में रख दिया है। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ व्रत के लिए साबूदाने की टिक्की, जो कि दही के साथ भगवान जी को मैं भोग लगा दूँगी। और मैंने इधर हिमांशु को खाना खिला दिया है ज़बरदस्ती, क्योंकि उसका भी व्रत था, वो बच्चा है, पहली बार उसने व्रत रखा है, तो मुझसे उसको देखा नहीं जा रहा था भूखे। और वैसे तो उसको भूखा नहीं था, पूरा दिन मैंने उसको कुछ ना कुछ खिलाती रही हूँ, लेकिन वो फिर भी रोटी के बिना, खाना खाने के बिना वो अधूरा सा लगता ही है। तो इसलिए मैंने शाम को भगवान की पूजा करवाने के बाद में, तारई को अर्घ देने के बाद में मैंने उसको खाना खिला दिया था। इधर मेरा जो मिल्क केक था वो ठंडा हो गया है, उसके बाद मैंने काजू से उसको थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया है। मैंने उनका नाम लिखा था लेकिन छोटा है ना, तो उसकी वजह से अच्छे से नाम नहीं दिख पाया है। इधर मेरी साबूदाने की सारी टिक्की जो है वो तैयार हो गई हैं। सबसे पहले मैं गोपाल जी को भोग लगा दूँगी। आज तो गोपाल जी को सच में पूरा दिन मैंने कुछ ना कुछ भोग लगाया है, जितना मेरे से बन पाया है। भगवान के हिसाब से तो हम नहीं कर सकते, उनके हिसाब से तो हम बिल्कुल छोटे ही हैं, मतलब जितना भी कर लो उनके लिए उतना भी कम है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने करने की कोशिश की है। उसके बाद फिर काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में, सारे लोग आ गए हैं, हम दीदी वगैरह, हस्बैंड, हिमांशु, मैं सब आ गए थे। और आप लोग देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, जबकि पहली जो वीडियो आपने देखी होगी उसमें तो मंदिर एकदम शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद में आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा रौनक लग गई है, नाचना गाना भजन वगैरह बहुत ही अच्छा माहौल हो गया था। उसके बाद फिर मैं क्या कर रही हूँ कि अगर मैं वॉइस ओवर करूँगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत आप लोग भजन और नाचना गाना भी देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों से आगे बात करती हूँ। मंदिर से आने के बाद में मैंने सारी तैयारी अपनी कर ली है, क्योंकि 11:30 के करीब हम मंदिर से आए थे, तो वहाँ से आकर के मैंने जो गोपाल जी के स्नान की तैयारी है, पंचामृत वगैरह, जल वगैरह सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। उनको दूध से भूख भी लगा दिया है मैंने, बस चांद के निकलने की देरी है। जैसे ही चांद मामा हमारे निकलेंगे और हम गोपाल जी को स्नान कराएँगे पंचामृत से बहुत ही अच्छे तरीके से, और हम बस टाइम होने ही वाला है, कुछ ही देर बाकी है, तो हम इनको रेडी कर लेते हैं सारा कुछ। गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद में उनको भोग लगा दिया है, उनका केक भी कट करा दिया है। मैंने बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाई हुई थी, पूड़ियाँ बनाई हुई थी, मैंने उनका भी उनको भोग लगा दिया है। और कान्हा जी को दूसरे वाले कपड़े पहना करके, उनका श्रृंगार करके, उनको फिर से झूले में बिठा दिया है। आज का वीडियो होप करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।